इसमें हमारे एक्चुअली इधर आज कम से कम 2 फीट तक बर्फ गिरा था। जो हमारी टीम है आप देख रहे हैं, जो पूरी प्रेजेंट है इधर, इन्होंने पूरा दिन पूरा लग के पूरा सुबह से ग्रेडर वगैरह लगा के पूरा स्नो क्लियरेंस किया है। एक आध जगह इधर स्लाइड क्लियरेंस भी हुआ था, इसको भी हमने पूरा क्लियर किया है, जिससे कि पूरा ट्रैफिक 24/7 हमारा थ्रू रहे। से हमारा जो ये रोड बनने के लिए अभी जिससे हम आप देख रहे हैं फॉर्मेशन कटिंग बन रही है, इसमें परमानेंट वर्क्स बनना है, कलवर्ट्स बननी है, ड्रेन्स बनने हैं, प्रॉपर स्लोप प्रोटेक्शन जो स्लाइड क्लियरेंस के लिए देते हैं वो भी बनना है। तो उसमें काफ़ी इधर के लोकल यूथ्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, बिकॉज उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो हमारे इधर जैसे ही इधर काम आया तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट हमने काफ़ी जनरेट किया है। इससे क्या है कि लोग अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा रोड है उसके साथ साथ लग के एक प्रॉपर बिजनेस एरिया ये भी किया है। और मैं बोलना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पुंछ का और रजौरी का है, इन्होंने काफ़ी सहायता की है, स्पेशली डीसी रजौरी और डीसी पुंछ, इन्होंने काफ़ी हमारी सपोर्ट की है, जिसके तहत ये जो भी बॉटल नेक्स थे हमारे मेन बॉटल नेक्स वो पूरे क्लियर हुए हैं। रोड की बहुत खस्ता हाल थी और रजौरी से थन्ना मंडी तक खासकर लोग जो थे इसके आने जाने में इस तरह लगता था कि जैसे कहीं हम किसी दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। जब से इसका काम शुरू हुआ है तो लोगों को एक बड़ी खुशी महसूस हुई इससे, जिससे दो चीज़ें, एक तो लोगों की परेशानी जो आने जाने की टाइम के ज़ाया गाड़ियों की तबाही होती थी, एक वो फ़ायदा हुआ, और दूसरा ये हुआ इसमें कि लोगों के कारोबार जो हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ। हर आदमी इस रोड के पास अपना कारोबार चला रहा है और मैक्सिमम ये रजौरी से थन्ना मंडी तक बीच में थोड़े थोड़े से पैच रह गए, बाकी तकरीबन कंप्लीट ही है, ब्लैक टॉप भी हो रहा है इसका। तो इसके बनने से रोज़गार में बहुत ज़्यादा खासकर फ़ायदा हुआ।